हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो जो बहुत ही लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि मैम स्वीट से रिलेटेड बताइए वीडियो, जैसे हम मार्केट का हमेशा स्वीट खाते हैं तो वो अच्छा तो नहीं होता है, तो आप घर पे कैसे हम स्वीट को रेडी कर सकते हैं, जैसे कोई आ रहा है हमको अचानक पता चलता है और हम मार्केट नहीं जा पाते हैं, तो उन सब की समस्या से आपको छुटकारा आज मैं दिलाऊंगी और बताऊंगी कि घर पे मार्केट से बहुत अच्छा स्वीट कैसे हम घर पे खुद रेडी कर सकते हैं और सिर्फ 20-30 मिनट के अंदर, मतलब 15-20 मिनट के अंदर ही हम बहुत अच्छा स्वीट रेडी कर सकते हैं। तो आज मैं घर का बना हुआ पेड़ा आपको सिखाऊंगी कि कैसे पेड़े को घर में आप 20 मिनट के अंदर बना सकते हैं और स्वाद भी बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ और आप, आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ ये वीडियो मेरी शेयर भी करिएगा आप लोग, क्योंकि घर में स्वीट बनाना मैंने आप सबको बताया और इजी तरीके से बताया है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिएगा। और वीडियो अच्छी है, मेहनत करके बना रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक करके भी आप लोग जाना और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये वीडियो शेयर करिएगा आप लोग। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी, आपको किचन में ले चलती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन। तो फ्रेंड्स, हम किचन में आ चुके हैं। आप एक कढ़ाई लीजिए और उसमें आपको जितना भी मिल्क, जितना आपको बनाना है स्वीट, उस हिसाब से 1 लीटर मिल्क, हाफ लीटर मिल्क से भी आप बना सकते हो। तो आप दूध को गाढ़ा होने तक हम इसको थोड़ा तेज कर देंगे गैस, और गाढ़ा होने तक हम इसको चलाएंगे। तो देखिए हमारा गाढ़ा होना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है, और गाढ़ा होगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें शुगर कैसे ऐड करेंगे। तो आपको चलाते रहना है, नीचे कढ़ाई में मिल्क लगे नहीं, क्योंकि अगर लग जाएगा तो हमारा जला हुआ स्वाद आएगा। तो देखिए गाढ़ा हो रहा है हमारा मिल्क, तो इसके बाद हम शुगर को करेंगे, क्योंकि इससे कम हो जाएगा हम डालेंगे तो हमारा शुगर अच्छे से नहीं हो, वो होगा थोड़ा थोड़ा शुगर रह जाएगा, पता चलेगा। तो इसलिए अब आप डालिए और अच्छे से इसको मिक्स करिए, जब तक शुगर अच्छे से घुल नहीं जाए तब तक हमको अच्छे से चलाते रहना है। गैस को थोड़ा सा आप एकदम जीरो कर लीजिए और चलाते रहिए, इस तरीके से आप चलाते रहिए। उसके बाद बहुत लोगों का रहता है कि ये हम चला रहे हैं फिर हमें पता कैसे चले कि हम हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा कि हमारा स्वीट रेडी हो गया है। इसमें इलायची आप ऐड कर दीजिए, मैं तो इलायची ज़रूर डालती हूँ, तो इलायची अगर आप लोगों को पसंद है तो आप सब भी इलायची इसमें ज़रूर डालिएगा। 2 इलायची मैंने डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारा गाढ़ा स्टार्ट हो गया है होना, तो शुगर अच्छे से घुल चुकी है, तो इसको आप देखिए चलाते रहिए। ये आपको समझ में आने लगेगा कि हो रहा है, क्योंकि गाढ़ा होने लगता है तो समझ में आता है कि अच्छा हमारा ये स्वीट रेडी हो रहा है। उसके बाद हम, मैं दिखाऊंगी कि कैसे आपको चेक करना है, तो आप इसको इसी तरह चलाते रहिए। उसके बाद एक बाउल लीजिए, उसमें पानी लेके आपको इस तरीके से बाउल में डालना है। ये जब आप पानी में डालेंगे तो अगर पानी में मिक्स नहीं हो रहा है, जो आपने डाला खोया अगर मिक्स नहीं हुआ वाटर में, तो आप समझ जाइए देखिए गोला सा बना है। जब ये नहीं हुआ रहेगा तो आपके पानी में मिक्स हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो गोला ऐसे जब अच्छे तरीके से हो जाए, आपके हाथ से गिरे नहीं, तो समझ जाइए कि आपकी स्वीट रेडी हो गई है। तो थोड़ी देर और हम इसको करेंगे, उसके बाद फिर इसको ठंडे होने के लिए छोड़ेंगे। हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है स्वीट, चला दीजिए।
से आप चलाते रहिए, नीचे लगी नहीं कढ़ाई में, इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से चला के दिखा भी रही हूँ कि आप इसको छोड़ के आपको हटना नहीं है कि आपने शुगर डाल दिया जाके कोई काम करके आइए, ऐसा नहीं करना है। तो फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं, अगर ये अच्छे से बन गया होगा तो उसके बाद हम गैस को बंद करेंगे। फ्रेंड्स ये बन के मेरा एकदम रेडी हो चुका है, क्योंकि ये देखिए एकदम गोला बन गया है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कैसे आपको बनाना है। गैस को कर दिया है बंद, इसको थोड़ा साइड रख देंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी बनाने में। आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, आप जितना आपका क्वांटिटी रहेगा उस हिसाब से थोड़ा 5 मिनट के लिए आप इसको छोड़िए, और उसके बाद ठंडा हो गया है तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि घर में फटाफट स्वीट कैसे रेडी करिए आप फेस्टिवल सीज़न में, या फिर आपको कभी ऐसे स्वीट खाने का मन करे तो आप इसको बनाइए, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है और घर का है तो बहुत ही अच्छा है। इसमें हमने सिर्फ खोया और शुगर को ही ऐड किया है, तो इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है। शुगर आप कम डालेंगे तो अगर कोई शुगर का पेशेंट है कोई भी खा सकता है। तो फटाफट मैं बना के आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे बनाना है, और ये ज़्यादा ब्राउन भी नहीं है, ज़्यादा वाइट भी नहीं है, एकदम परफेक्ट बना है हमारा पेड़ा जो है, एकदम जैसे बनता है मार्केट से, बहुत अच्छा स्वाद, कलर, सब कुछ। और फटाफट आप बना सकते हैं, कोई झंझट नहीं है कि कैसे बनाएं। एकदम मैंने इसीलिए बहुत ज़्यादा मैंने कट नहीं किया, आप सबको सब कुछ दिखाते हुए ही बनाया है कि ताकि जो पहली बार बना रहे हैं उनको समझ में आए कि कैसे बनाया है। तो टाइम थोड़ा लगा पर मैंने अच्छे से बना के आपको दिखा दिया। तो अभी बसंत पंचमी आ रही है फ्रेंड्स, आप लोग बनाइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को स्वीट कैसा लगा बनाना, कल आपने बनाया अच्छे से बना लिए आप लोग, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत लोग हैं कि कैसे बनाएं नहीं बना पाते हैं। तो इजी तरीके से मैंने आपको सब कुछ करके दिखाया, और फटाफट जाइए और बनाइए और सबको, बच्चों को, सबको खिलाइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।